की बहुत ही खुशी का दिन है। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार आप लोगों की नियुक्ति पत्र, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिन इंतजार करने के बाद आज मिला है, तो सामुदायिक खुशी का तो खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। परिवार वाले हमेशा सपोर्ट में ही रहे हैं, लेकिन और हम अपना मेहनत करते रहे, अपने लगातार मेहनत करते रहे कि आज नहीं तो कल कभी न कभी होगा। और तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाथ में नियुक्ति पत्र और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पे एक शिक्षक आई है नियुक्ति पत्र लेने। क्या नाम है आपका? ममता बेग। कहाँ से आए हैं? लोहरदगा से। लोहरदगा जिले से अपने बच्चे को लेकर के आज का दिन आपके लिए कैसा है? बहुत ही खुशी का दिन है। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार आप लोगों की नियुक्ति पत्र, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिन इंतजार करने के बाद आज मिला है, तो सामुदायिक खुशी का तो खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चों के लिए रोचक आधार आगे अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना काम करना है। राज्य के नौनिहालों की जी बिल्कुल, एक माँ तो बच्चे को बेहतर मतलब शिक्षा देती ही है, साथ ही साथ आप तो शिक्षक भी बन गया, पूरे बच्चे को समाज को आप बेहतर शिक्षा देंगे, तो कैसे किस तरीके से देंगे आप? समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके अंतर्गत 80 स्कूल्स ऑफ जिम्मेदारी तो बच्चे हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों को अपना समय देना ही होगा, मतलब चाहे घर का बच्चा हो या फिर स्कूल के बच्चे, आप उन लोगों को समय देकर के बेहतर शिक्षा देंगे। इतने लंबे समय के बाद आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, उस दौर में कैसा रहा था आपका जीवन? किसी भी मामले में मेरा तो बहुत ही कठिन रहा, निजी विद्यालयों से क्योंकि छोटा बेबी के साथ सफर रहा पूरा 9 महीने का, फिर होने के बाद अभी तो मेरे लिए दोहरी खुशी है, छोटा बच्चा है और एक नियुक्ति पत्र भी है, तो डबल खुशी है मेरे लिए। और मेरे मेहनत, अपना मेहनत जो मुझे अपना मेहनत का रंग लाई, इसलिए खुशी बहुत है। परिवार वालों को आपका सपोर्ट मतलब करते थे कि इतने लंबे समय के बाद नियुक्ति नहीं आ रही थी, तो परिवार वालों का क्या रहता था कि अब उम्मीद छोड़ दो या फिर सपोर्ट करते थे? परिवार वाले हमेशा सपोर्ट में ही रहे, लेकिन और हम अपना मेहनत करते रहे, अपने लगातार मेहनत करते रहे कि आज नहीं तो कल कभी न कभी होगा। और हर क्षेत्र में विश्व पटल पर राज्य का आज देखिए दिन आ ही गया, मेहनत मेहनत का रंग आज ला ही दिया कि आज आपके हाथों में नियुक्ति आया है, नियुक्ति पत्र मिल गया, इससे बहुत खुश है। चलिए थैंक यू। ये घर वालों में मतलब कि जो 7 साल का जो गैप था उस दौरान मतलब कि कितना मुश्किल दिन था आपके लिए कि परिवार वालों ऐसे बेरोजगार आप बैठे हैं, वैकेंसी 2016-11 में आई और अभी नियुक्त हो रहे हैं, दो ये तो कठिन का कठिन होता ही है सबके लिए कि लंबे समय ज्यादा लंबा समय हो जाता है तो कठिन पड़ता ही है, जिसका उपयोग आप लेकिन बदलने के लिए आज आज वो दिन आ गया तो वो कठिनाई वैसे समाप्त हो गई है। आप आदिवासी समाज से आती हैं, आदिवासी बच्चियों बेटियों के लिए क्या कहेंगे कि वो मतलब बहुत कि बहुत पिछड़े हुए हैं वो लोग, तो क्या समाज बेहतर शिक्षा की शुरुआत? मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना मेहनत करते रहे, सरकार सुनिश्चित आज नहीं तो कल मेहनत रंग जरूर लाएगी, मजबूत हो बल्कि वहाँ का सेक्शन।